जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज युवा प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी के नेतृत्व में भारत सरकार के रेल मंत्री को एक ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक आशीष कुमार के माध्यम से दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में बंद पड़ी ट्रेनों को शुरू किया जाए, क्योंकि चंदौसी एक व्यापारिक केंद्र है और यहां पर आसपास के क्षेत्रों के अलावा अन्य जिलों और प्रदेशों के लोग भी व्यापार के सिलसिले में आते जाते हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से सरकार ने ट्रेनों का संचालन बिल्कुल बंद कर दिया था। अब सब कुछ खुलने के बाद भी ट्रेनों का संचालन बंद है। कुछ गिनी चुनी ट्रेन ही चंदौसी से होकर गुजरती हैं, जबकि चंदौसी एक जंक्शन है और ट्रेन बंद होने से व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस न बनाया जाए, क्योंकि इससे किराया दुगना होगा और जिसकी मार मध्यम वर्ग और गरीब तबके पर पड़ेगी। ट्रेन शुरू होने से व्यापारियों का व्यापार भी पुनः पटरी पर लौट आएगा और क्षेत्र की जनता और आसपास के जिलों के लोगों को राहत मिलेगी। चंदौसी स्टेशन अधीक्षक को आप लोगों ने विज्ञापन दिया है, व्यापार मंडल के माध्यम से क्या कहेंगे आप? हमारी अधीक्षक के माध्यम से सरकार से मांग की है हमने, जो पैसेंजर ट्रेन थी उनके नाम बदल दिए गए हैं और एक्सप्रेस कर दी गई हैं। तो पैसेंजर का टिकट जो 40 हुआ करता था, उसका एकदम दोगुना 80 कर दिया। इसका सीधा सीधा असर मध्यवर्गीय और गरीबों पर पड़ रहा था। हमारी मांग है पैसेंजर ट्रेन जो पैसेंजर ही रहेगा, ये हमारी मांग है। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने एक ज्ञापन रेल मंत्री को भेजा है स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल से यहाँ पर ट्रेनों का सरकार ने संचालन बंद कर रखा था, उसके बाद अब सब कुछ खुलने के बाद भी ट्रेनों का संचालन चंदौसी में शुरू नहीं हुआ। कुछ गिनी हुई ट्रेनें ही चल पा रही हैं। इसके अलावा चंदौसी एक व्यापारिक केंद्र है, यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों के अलावा ज़िलों से और अन्य प्रदेशों से भी लोग व्यापार के सिलसिले में आते जाते हैं। लेकिन ये ट्रेन बंद होने की वजह से, क्योंकि चंदौसी एक जंक्शन भी है और यहाँ पर ट्रेन बंद होने की वजह से व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए हमने रेल मंत्री जी से मांग की है कि जैसे सब कुछ खोल दिया गया कोरोना के बाद इस साल, ऐसे ही ट्रेनों का संचालन भी पुनः चालू किया जाए, ख़ासतौर से पैसेंजर ट्रेनों का, जो कि बिल्कुल बंद है। पैसेंजर ट्रेन है, यहाँ से लोग जो है वो आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, इन जगहों पे जो है वो व्यापारी आते जाते रहते हैं। ट्रेनों से बंद होने से बहुत बड़ा असर पड़ा है, तो हमने मांग की है कि जो है मंत्री जी जो है वो ट्रेन को सुचारू रूप से चालू करें।